हरी जी, जिस तरह से बजट आया है, बजट को आप किस तरह देख रहे हैं, कितना लोगों के हित में है? देखिए, बजट पूरी तरीके से बड़ा ही दर्दनाक बजट 2020 है। निर्मला सीतारमण जी से काफ़ी उम्मीद थी और महिला वित्त मंत्री से, खासकर जो है घरेलू महिलाओं को भी काफ़ी उम्मीद थी। और ये जो बजट था, ये बजट जो है अब की बार रोजी के साथ साथ रोटी के सवाल पर था। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आर्थिक मंदी है, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक बड़ा महंगाई है, चरम सीमा है, जीडीपी नीचे गिरा हुआ, उससे इस बजट से काफ़ी मतलब उम्मीद थी एक आम आदमी को, एक नौजवान को, एक किसान को। देखिए, रोजगार तो दे नहीं पाए, रोजगार का जो सृजन था वो पूरी तरीके से निर्मला सीतारमण जी का और मोदी सरकार में साफ गोई से वो 22 और 24 का चुनावी एजेंडा एक बार फिर से खड़ा कर दिए। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटीज के नाम पर एक बड़ा धोखा फिर से देने की तैयारी की गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह, किसानों की दुगनी आय अब फिर 2022 और 24 के चुनावी एजेंडे में है, तो पूरा मिला जुला करके एक सीधे सीधे धोखा देने वाली है और बड़ा ही पूरी तरीके से एक दर्दनाक बजट। और आम आदमी और गरीब आदमी के घर से उनके जो है शरीर से पूरे चमड़ा निचोड़ने का काम, निकोड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का यह 2020 का बजट था। पूरी तरीके से धोखाधड़ी और पॉकेटमारी का यह बजट है। निर्मला सीतारमण और मोदी जी से जो उम्मीदें थी वो एकदम पूरी तरीके से टूट गई। और ये दूसरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि हम भारतवासी अब गलती कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार से कोई उम्मीद पाल रखे हैं। ये सरकार दे नहीं पाएगी, सरकार की अंतरात्मा पूरी तरीके से टूट चुकी है, डर चुके हैं और इनसे देश नहीं चल पा रहा। ये पूरी तरीके से हताशा वाला एक बजट था जिसे 2020 बजट आम बजट कहा जा सकता। अच्छा, ये जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने चीन की तर्ज पर 4 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में ये कुछ कर पाएंगे? देखिए, 6 सालों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी बड़े ईमानदार आदमी है, बड़े सच्चे आदमी, ये हम नहीं करें, पूरे देश की नौजवान और जनता और भारतीय जनता पार्टी कर। सन 2014 में 2 करोड़ नौकरियों को प्रतिवर्ष देने का वादा था कि नहीं था? ठीक है, 1 साल खत्म कर देते हैं, 2 साल खत्म कर देते हैं, 3 साल खत्म कर देते हैं, लेकिन साथ ही 6वां साल ये नरेंद्र मोदी सरकार का है और 2 दुनी 4 करोड़ यानी 2 साल का भी रिवर्स ये नहीं दे पाएंगे। ये मोदी सरकार से मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि सन 2020 का आम बजट यह तय कर गया कि किसान, नौजवान, बुनकर और गरीबों के हक और हुकूक के लिए कुछ नहीं है इस सरकार के लिए। इस सरकार में अडानी और अंबानी जैसे लोगों का तलवा चाट करके इस देश के तिरंगा और इस देश में जाति नफरत, जातिवादी, धार्मिकवादी नफरत फैलाने की जो साजिश है, यही भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनके कार्यकाल में विकास और आम आदमी के थाली में रोटी नहीं मिल सकता। आम औरतें बहुत ज़्यादा दुखी हुई इस पूरे बजट को लेकर के, बहुत ज़्यादा मतलब उदासी भरा 2020 का यह बजट। औरतों ने क्या कुछ संभावनाएं पाल रखी थी इस बजट से, क्या कुछ उनको नहीं मिला, आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, घरेलू गैस सिलेंडर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ, जो एकदम सीधे घरेलू उस पे रहता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अनाजों का जो दाम था, किसानों का जो क्रय केंद्र वाला मामला था, जो बीमा करना था, जो सीधे सीधे रसोई से जुड़ा हुआ था, ये रसोई से जुड़ा हुआ सारी चीजें तो महंगी कर दी गई है। आपको एक सीधा सीधा बात बता दे, अगरबत्ती महंगी हो गई पूजा और पाठ करने धार्मिक देश में, और सिगरेट जो है सस्ता हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और गुजराती और मोटा भाई लोग सिर्फ व्यापार देखना चाहते हैं, देश की आंतरिक आत्मा के दर्द को नहीं देखना चाहते हैं। वो अपने विचारों के आधार पर देश को बेचना और बिकाऊ टाइप का बनाना चाहते हैं। कोई लगाव नहीं है देश के किसी भी वर्ग के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार को देखना चाहते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। विश्वनाथ कुंवर नाम है, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस वाराणसी। जी, जिस तरह से महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020 को पेश किया है, तो आपको क्या लगता है महिलाओं का कितना ख्याल रखा गया है महिला द्वारा पेश हुए बजट में? देखिए, हम इस पर बोलेंगे तो शायद कुछ भाइयों को लगेगा कि हम कांग्रेसी होने के नाते ये बोल रहे हैं। एक आम महिला से ये बात पूछा जाए, एक आम महिला के हित में क्या बजट दिया गया? आम महिला के जो नवयुवक लड़कियां हैं उनके रोजगार के प्रति क्या सोचा गया? आम जो महिला है उसके जीवन के विकास संबंधी इस बजट में क्या दिया गया? इस बजट में महिलाओं का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, साथ साथ युवाओं का भी, कि किसी भी तरीके से युवा महिला इस सरकार में कुछ रोजगार कर लें,
या महिला के सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कोई बजट में ऐसा पास हुआ हो जिससे उसकी सुरक्षा हो सके, या महिला के आर्थिक विकास हेतु कोई ऐसा एक बता दीजिए, या कोई भी जो भाजपा का नेता हो बता दे कि महिला के विकास संबंधित ये बजट में रखा गया है। तो निर्मला सीतारमण जी एक महिला होकर के कोई महिलाओं का ख्याल नहीं रखी है। उनका खुद ही कहना है कि प्याज मैं नहीं खाती इसलिए दाम बढ़े तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि और महिलाएं खाती हैं, और उनको समझना पड़ेगा कि उस प्याज की दर को कम करना, महंगाई की दर को कम करना, ये सीधा सीधा महिलाओं पे इफेक्ट पड़ता है। महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाएं हमारी घर की लक्ष्मी। इस बजट का सबसे बड़ा दुर्प्रभाव महिलाओं पे ही पड़ेगा, क्योंकि घर के खर्चे से लेकर के अपने जीवनचर्या को चलाने वाली घर की लक्ष्मी ही होती है, और इस आम बजट में उस घर की लक्ष्मी का कोई ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उसके विकास संबंधित, ना ही उसके रोजगार संबंधित, ना ही उसके महंगाई के खर्चे संबंधित एक भी प्रकार का विकास नहीं रखा गया, विकास संबंधित कार्य नहीं रखा गया। अगर बात की जाए बिहार के गृहराज्य मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, तो उन्होंने एक बयान दिया है बजट पर राहुल जी को कि वो बजट पढ़ के आए बिना पढ़े कुछ न बोले, आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी की बात तो करते हैं, यदि वो बहुत अच्छा बजट पेश कर रहे हैं गिरिराज जी, तो उन्हीं को वित्त मंत्री बना देना भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी में बहुत कमियां हैं, तो हमारा बजट तो भारत की जनता ने देखा है। मनमोहन सिंह की सरकार में हमने बजट पास किया, उसमें हर कुछ दिखा है भारत की जनता को, किस तरीके से बजट पास होता है, किस तरीके से विकास होते हैं, किस तरीके से महिलाओं का ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से महंगाई का ख्याल रखा है। ये कांग्रेस ने करके दिखा दिया है, गिरिराज जी के कहने से कुछ नहीं होता है। गिरिराज जी अपने आप को बहुत बड़ा सारथी समझते हैं, तो गिरिराज जी ही बजट पास कर दें। वो निर्मला सीतारमण पे क्यों उंगली उठा रहे हैं, राहुल जी को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? राहुल जी की बात मत करिए, राहुल जी ने जो करके दिखाया है, कांग्रेस ने जो करके दिखाया है, उसको देश की जनता देख रही है, महंगाई पे देख रही है, रोजगार पे देख रही है। आज इनके सरकार में ये अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात करते हैं, GDP लगातार गिरती जा रही है, ये लगातार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करते जा रहे हैं, जियो को बढ़ावा दे रहे हैं, BSNL को बेच रहे हैं। सरकारी संस्था इसीलिए ना होती हैं कि सरकार आपसी सामंजस्य बनाकर सभी सरकार की संस्थाएं को, कोई कम घाटा में भी चल रहा है तो दूसरे संस्था का पैसा निकालकर उसको सब्सिडी के रूप में दे करके उसको सही तरीके से चलाए। सरकारी संस्था क्यों बनी है, गवर्नमेंट क्यों बनती है? तो भारत को प्राइवेट लिमिटेड कर दीजिए, अमेरिका के हाथों दे दीजिए। तो गिरिराज जी की बातों पर हम लोगों को नहीं जाना है। कांग्रेस देश को चलाकर दिखा चुकी है, यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, कि आज जो भी विकास है वो कांग्रेस का ही विकास है, और भारतीय जनता पार्टी उस विकास की लगातार धारा को इतना धीमा कर दी है कि हमारे मनमोहन सिंह जैसा शास्त्री कह दिया है कि आने वाले विगत कई सालों में ये अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से सुधार नहीं सकते, इनकी GDP सुधार नहीं सकती।